हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि 8 लाख ऑन रोड के बजट में, यानी कि अगर 2023 की बात करें तो 8 लाख में कौन कौन सी गाड़ियां आप ले सकते हैं, क्योंकि भाई रेट्स हर दिन बढ़ रहे हैं, गाड़ियां महंगी होती जा रही है। और जो गाड़ियां पिछले साल 7.5 लाख की रेंज में आती थी वो इस साल 8 लाख की रेंज में आने लगी है। तो 8 लाख ऑन रोड प्राइस में कौन कौन सी गाड़ियां आपको मिल रही है और उन गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी क्यों आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है, वो जो सारी बातें हैं वो आज के वीडियो में करने वाले हैं। और जो ग्रेडिंग में गाड़ियों को दे रहा हूं वो अपने एक्सपीरियंस से दे रहा हूं, अपनी थिंकिंग से दे रहा हूं। बाकी हो सकता है कि आपकी पसंद और जरूरत के हिसाब से वो जो ग्रेडिंग है गाड़ियों की वो अप डाउन हो सकती है, और अगर आपको ऐसा लगे तो आप बिल्कुल उसको अप डाउन अपनी जरूरत के हिसाब से भाई कर सकते हैं। तो जी, इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं नंबर 9 पे। तो नंबर 9 पे आती है मारुति डिजायर। मारुति डिजायर का जो LXi यानी कि बेस मॉडल है वो इस रेंज में आप आसानी से खरीद सकते हैं। उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 6,51,000 रुपए, और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है लगभग 7,62,000 की। 1197 cc का 4 सिलेंडर 88.5 bhp के साथ में इंजन आपको मिल रहा है। 23 तक के माइलेज आपको गाड़ी दे सकती है, और कोई भी डिस्काउंट आज की डेट में इस गाड़ी पे नहीं है। लेकिन इसका जो बेस मॉडल है यानी कि LXi है वो अब टूर के नाम से भी मार्केट में बिक रहा है। और साथ ही साथ मारुति डिजायर के LXi यानी कि बेस मॉडल में ऐसे कोई खास फीचर्स भी आपको नहीं मिलते हैं, इसीलिए मैंने इस गाड़ी को 9वें नंबर पे रखा है। लेकिन अगर आपको एक सेडान चाहिए, बढ़िया इंजन बढ़िया माइलेज के साथ में भरोसेमंद गाड़ी चाहिए, तो आप बेशक से मारुति डिजायर के बेस मॉडल की तरफ जा सकते हैं 8 लाख बजट ऑन रोड के अंदर अंदर में। उसके बाद आए नंबर 8 पे। तो नंबर 8 पे आती है टाटा टिगोर। टाटा टिगोर का XM वेरिएंट आप इस रेंज में खरीद सकते हैं। उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 6,80,000 रुपए, और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है 7,90,000 की। 1199 cc का 3 सिलेंडर 85 bhp के साथ में जो इंजन है वो आपको मिल रहा है। 20 तक की माइलेज ये गाड़ी दे सकती है, और इस गाड़ी पे आज की डेट में अगर लमसम बात करूँ तो 20,000 तक का जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाता है, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी मजबूत है। उस लिहाज से मैंने इस गाड़ी को 8 नंबर पे रखा है, और XM वेरिएंट होने की वजह से फीचर्स भी आपको ज़्यादा यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अगर आपको सेडान लेनी है, सेफ्टी के साथ में लेनी है, तो आप टाटा टिगोर की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं नंबर 7 पे। तो नंबर 7 पे आती है टाटा की सबसे सस्ती और सबसे छोटी गाड़ी यानी कि टाटा टियागो। टाटा टियागो का पूरा वैल्यू फॉर मनी जो वेरिएंट है XT रिदम वेरिएंट, वो आप इस रेंज में ले सकते हैं। बढ़िया फीचर्स आपको मिलते हैं। उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 6,68,000 रुपए, और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ेगी लगभग 7,80,000 की। 1199 cc का 3 सिलेंडर 85 bhp का जो इंजन है वो इस गाड़ी में मिलता है। 20 तक की जो माइलेज है वो टियागो दे सकती है, और आज की डेट में लमसम बात करूं तो 20,000 तक का जो कैश डिस्काउंट है वो इस गाड़ी पे भी आपको मिल सकता है। और आपकी ज़रूरत की यानी कि जो एक नॉर्मल आदमी को अपनी गाड़ी में चाहिए वो सारी चीज़ें टियागो के XT रिदम वेरिएंट में आपको मिल सकती है। साथ ही साथ सेफ कार लेनी है, हैचबैक लेनी है, तो टाटा टियागो की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि टाटा टियागो में सेफ्टी के साथ साथ जो फीचर्स हैं वो भी आपको बढ़िया इस रेंज में मिल सकते हैं। नंबर 6 पे आए तो आती है मारुति इग्निस। मारुति इग्निस अपने आप में बढ़िया गाड़ी है, लेकिन अगर गाड़ी की मार्केट देखें, बिक्री देखें, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू रहता है गाड़ी के साथ में। जिस भाई को इस गाड़ी की लुक्स पसंद आती है वो आराम से इस गाड़ी को खरीद सकता है। मारुति इग्निस का जो जेटा वेरिएंट है वो इस रेंज में आप ले सकते हैं। उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 6,96,000 रुपए, और ये गाड़ी 8 लाख के अराउंड आपको ऑन रोड मिल सकती है। 1197 cc का 4 सिलेंडर इंजन 82 bhp के साथ में आपको मिलता है। 20 तक की माइलेज गाड़ी दे सकती है, और आज की डेट में 40,000 तक का जो कैश डिस्काउंट है वो इग्निस में आपको मिल जाता है। और इस गाड़ी की खास बात यही है कि प्राइस तो बढ़े ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो डिस्काउंट है वो अभी भी काफ़ी बढ़िया आपको इस गाड़ी पे मिल सकता है। बाकी स्पेस में, माइलेज में या इंजन के पावर वगैरह में बढ़िया गाड़ी है। लुक अगर आपको पसंद आती है तो आप इस गाड़ी की तरफ भाई जा सकते हैं। नंबर 5 पे आए तो आती है Hyundai ग्रैंड i10 Nios। ग्रैंड i10 Nios का जो मैग्ना यानी कि सेकंड बेस वेरिएंट है वो इस रेंज में आप ले सकते हैं। उसकी जो एक शोरूम कीमत है
वो है 6,63,000 रुपए और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ेगी लगभग 7,75,000 रुपए की। 1197 सीसी का 4 सिलेंडर 82 BHP वाला जो इंजन है वो इस गाड़ी में आपको मिलेगा। 20 तक की माइलेज आपको गाड़ी से मिल सकती है। 20,000 तक का जो कैश डिस्काउंट है वो भी ऑन एन एवरेज इस गाड़ी पे आपको मिल सकता है। i10 न्यूज भी अपने आप में बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया बिकती है और मार्केट में भाई इस गाड़ी का नाम भी बढ़िया आप कह सकते हैं। उसके बाद आए नंबर 4 पे, तो नंबर 4 पे आती है मारुति स्विफ्ट। मारुति स्विफ्ट का जो VXI वेरिएंट है वो इस रेंज में आप ले सकते हैं। उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 6,95,000 और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है लगभग 8 लाख रुपए की। 1197 सीसी का 4 सिलेंडर 88.5 BHP पावर वाला इंजन आपको मिल रहा है। 23 तक की बढ़िया माइलेज गाड़ी दे सकती है और 21,000 का जो ऑन एन एवरेज डिस्काउंट है वो भी इस गाड़ी पे आपको मिल सकता है। स्विफ्ट की जो परफॉर्मेंस है, जो इंजन है, जो पावर है, जो माइलेज है वो भाई जानी मानी है और दबा के गाड़ी बिकती है। मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी जबरदस्त गाड़ी आप स्विफ्ट को कह सकते हैं। अगर आप अपना पैसा लगा रहे हैं, आपको माइलेज चाहिए, पावर चाहिए, बढ़िया मार्केट वैल्यू चाहिए, रिसेल चाहिए, सर्विस चाहिए, तो आप स्विफ्ट की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। उसके बाद आए नंबर 3 पे, तो नंबर 3 पे आप कंसिडर कर सकते हैं मारुति बलेनो को। बलेनो का जो बेस मॉडल है यानी कि सिग्मा, वो इस रेंज में आप ले सकते हैं। उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 6,61,000 रुपये और वो गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ेगी लगभग 7,89,000 की। 1197 सीसी का 4 सिलेंडर 88.5 BHP वाला जो इंजन है वो इस गाड़ी में आपको मिल रहा है। 22 तक की माइलेज बलेनो दे सकती है और 5,000 से 10,000 का जो डिस्काउंट है वो बलेनो पे आपको मिल सकता है। मारुति बलेनो के बेस मॉडल से ही बढ़िया फीचर्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, पीछे स्प्लिट सीट मिल रही है, डिफोगर मिल रहा है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं। उसी हिसाब से मैंने इस गाड़ी को यहाँ पे 3rd नंबर पे रखा है, क्योंकि फीचर्स के मामले में बलेनो काफ़ी बढ़िया आपके लिए साबित हो सकती है। नंबर 2 पे आए तो आती है मारुति वैगनार। वैगनार का जो ZXI प्लस यानी कि टॉप मॉडल है वो इस रेंज में आप ले सकते हैं। बढ़िया फीचर्स, एलॉय व्हील वगैरह सब कुछ आपको मिल सकता है उस गाड़ी में। उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 6,75,000 रुपए और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ेगी ऑलमोस्ट 7,87,000 की। 1197 सीसी का 4 सिलेंडर 88.5 BHP पावर वाला जो इंजन है वो इस गाड़ी में आपको मिल रहा है। माइलेज भी 24 तक की गाड़ी दे सकती है। 25,000 तक का जो कैश डिस्काउंट है, 20-25 आप मान लो, वो आपको ऑन एन एवरेज इस गाड़ी पे मिल सकता है। यानी कि बढ़िया प्राइस में और बढ़िया फीचर्स आपको मारुति वैगनार में मिल जाते हैं, इसीलिए इतने दिनों से ये गाड़ी मार्केट में इतना दबा के बिक रही है और टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में हमेशा आप मारुति वैगनार को देखते हैं। उसके बाद आते हैं नंबर 1 पे, तो नंबर 1 पे आती है टाटा पंच। टाटा पंच का जो एडवेंचर वेरिएंट है वो इस रेंज में आप आसानी से ले सकते हैं। उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 6,90,000 रुपए और ऑन रोड ये गाड़ी आपको पड़ती है ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए की। 1199 सीसी का 3 सिलेंडर 87 BHP पावर वाला जो इंजन है वो गाड़ी में आपको मिल रहा है। 20 तक की माइलेज गाड़ी दे सकती है, लेकिन कोई भी डिस्काउंट टाटा पंच पे आपको फिलहाल में नहीं मिल रहा है। और अगर बात करें कि ये गाड़ी 1 नंबर पे मैंने क्यों रखी है, तो कई सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहती है जब भी हम इस टाइप का वीडियो बनाते हैं कि हमें गाड़ियों को कैटेगराइज करना पड़ता है और अपनी जो पर्सनल थिंकिंग है उसके हिसाब से मैं गाड़ियों को कैटेगराइज करता हूँ। और आप अगर चाहें तो इनमें से किसी और गाड़ी को भी अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ऊपर या नीचे आप कर सकते हैं। तो टाटा पंच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस गाड़ी को आगे लेके आती है। सबसे पहली तो इस गाड़ी में जो सेफ्टी है वो आपको 5 स्टार मिल रही है, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया मिल रही है, बड़े टायर्स मिल रहे हैं, बूट स्पेस ज़्यादा मिल रहा है और रियर सिटिंग बाकी गाड़ियों से कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुली आपको इस गाड़ी में मिलती है। और SUV टाइप की जो बड़ी बड़ी सी गाड़ी की लुक है वो इस गाड़ी में आपको मिल रही है। यानी कि अगर बाकी का हम सेगमेंट देखें तो उसमें हैचबैक गाड़ियां ही आपको मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जो पंच है वो लुक वाइज थोड़ी सी बिगर आपको लगती है। और सबसे मेन जो पॉइंट है वो आता है सेफ्टी का, तो उस लिहाज से मैंने इस गाड़ी को नंबर 1 पे रखा है। लेकिन अगर आपको माइलेज, इंजन, रीसेल और सर्विस ही चाहिए तो बलेनो या स्विफ्ट को आप 1 नंबर पे ला सकते हैं और पंच को 3 या 4 नंबर पे आप रख सकते हैं। वो आपके अपनी थिंकिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर आदमी की जो सोच है वो भाई थोड़ी सी अलग अलग होती ही है।
तो उस हिसाब से ये थी वो 9 गाड़ियां जो कि 8 लाख ऑन रोड के बजट में आप खरीद सकते हैं। कौन सी गाड़ी की प्रायोरिटी आप रखते हैं वो आपके रिक्वायरमेंट्स पे, सोच पे डिपेंड करता है। तो भाई यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।